कवेड में एक ऐसा वाक्य पेश आया है, दुनिया की मुख्तसर तरीन शादी जिसकी खबर सोशल मीडिया पे हर जगह फैली हुई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि इतनी मुख्तसर तरीन शादी, सिर्फ 3 मिनट शादी रही, 3 मिनट के बाद डिवोर्स हो गई, और ऐसा क्या मामला पेश आया कि उनको डिवोर्स लेनी पड़ी, और वो लड़के ने ली या लड़की ने ली, क्यों ली या उनकी फैमिली वालों ने ली। ये एक वेद में वाक्या पेश आया है, जहाँ पे हुई है कोर्ट मैरिज, वहाँ पे जब निकाह हुआ है, निकाह रजिस्टर हुआ है, सब कुछ हुआ है, जब वो अदालत से बाहर निकलने लगे हैं तो अचानक क्या होता है कि लड़की का पाँव फिसल जाता है, और ऐसा क्या जुमला बोल दिया उस लड़के ने कि लड़की को डिवोर्स लेनी पड़ी। 3 मिनट के बाद शादी खत्म हो गई, और ऐसा जुमला क्या बोला कि शादी खत्म करनी पड़ी। निकाह होता है तो बाहर निकल रहे होते हैं, तो जैसे ही लड़की का पाँव फिसलता है तो लड़का अपनी जुबान में कहता है बेवकूफ। लड़के का सिर्फ इतना कहना था कि लड़की ने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए, लड़की फौरन उसी कदमों से वापस आई है और निकाह रजिस्ट्रार को कहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे मेरे डिवोर्स के पेपर रेडी कीजिए। उसने फौरन उसके डिवोर्स के पेपर रेडी किए और वो दोनों अलहदा हो गए। क्या इतनी छोटी सी बात पे डिवोर्स लेनी चाहिए? इसमें लड़की का कसूर है या लड़के का? आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये किसका कसूर है। ये तलाक तो होनी होगी थी, ये 3 मिनट बाद में 3 दिन बाद हो जाती, 3 दिन बाद में 3 मिनट बाद हो जाती, एक ना एक दिन तो होनी थी, क्योंकि वो छोटी सी बात बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है। वो अपने हस्बैंड की छोटी इतनी सी बात भी बर्दाश्त कर सकी कि उसने बोला बिल्कुल। अब इसमें किसकी गलती है? इतनी मुख्तसर तरीन शादी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें किसकी गलती है, लड़के की गलती है या लड़की की गलती है?